जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सेहत से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो डू हिट द बेल आइकॉन। आज का शो शुरू करते हैं जहाँ मेरे साथ है डॉक्टर हरिकृष्णन वनाडिल, जिनको 14 साल का एक्सपीरियंस है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है एंड उसी के साथ ये एज अ डायरेक्टर आयरिस आई केयर में काम कर रहे हैं जो की हैदराबाद में लोकेटेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी आंखों की एंड अगर आंखें हैं तो दुनिया खूबसूरत दिखाई देती है। ऐसे में एक प्रॉब्लम का नाम मैंने सुना है, आप मुझे अच्छे से बता पाएंगे वो क्या होती है? आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्विंट आई। सर ये क्या है? ओके, स्क्विंट आई, स्क्विंट बोले तो हम हिंदी में बोलेंगे भेंगापन, जिसमें एक आंख कहीं और देखती है और दूसरी आंख कहीं और देखती, दोनों आंखें एक जगह पे नहीं देखती। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे हमारे चेहरे के ऊपर दो आंखें क्यों हैं। वो इसलिए हैं कि हमको थ्री डायमेंशन में देखना पड़ता है। कोई भी चीज देखते हैं वो कितना डीप है आपसे, कितना दूर है, ये देखने के लिए आपको दोनों आंख की जरूरत है। तो हमारी दोनों आंखें एक ही पॉइंट पे देखना बहुत जरूरी है। जैसे आपके हाथ में जैसे कोई कागज है वो पढ़ने के लिए देखेंगे तो दोनों आंख साथ में आती है एक जगह देखने के लिए। जब ये जो कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है, जब एक आंख कहीं और देखता है और दूसरी आंख कहीं और देखता है, ये मूवमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, उसको हम स्क्विंट बोलते हैं या भेंगापन बोलते हैं। ओके, बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स को भी समझ में आ गया होगा। सर क्या ये कॉमन है या फिर ये रेयर डिजीज होती है? एक ये कॉमन है आज की डेट में, मतलब रेयर नहीं है। हम लोग अगर एक दिन में अगर 200-300 मरीज अगर देखते हैं उसमें से एक या दो मरीज को ये रहता है, और बहुत सारे लोगों में बहुत छोटी मात्रा में होता है जो हमको पता भी नहीं चलता। हमको दिखता है, आपको ना दिखे, मगर थोड़ा कॉमन सा ही है। ऐसा नहीं है कि कॉमन नहीं है। हमारे पास नॉर्मली लोग इसके कॉस्मेटिक रीजन से आते हैं जहाँ पे ये भेंगापन दिखता है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी से बात करते हैं और आपकी आंखें भेंगी हो तो क्या होता है कि जो बात करने का कॉन्फिडेंस आपका, जो आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं आगे वाले का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। वो एक चीज, मतलब कॉस्मेटिक रीजन इसका सबसे बड़ा कारण है जिसके लिए लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। दूसरा इसमें नज़र का भी थोड़ा सा है, तो इसके चलते हुए बहुत सारे लोग आजकल, बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है और हम लोग कुछ बहुत सालों से पहले, आज के दिन ज़्यादा लोग इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि नंबर ऑफ स्क्विंट केसेस बढ़ गए हैं, भाई कॉमनली लोग ज्यादा ट्रीटमेंट के लिए उत्सुक हो रहे हैं, उनको ऑप्शंस हैं तो वो आ रहे हैं, तो हम लोग ज्यादा स्क्विंट देख रहे हैं आजकल। राइट, अच्छा सर स्क्विंट डिटेक्ट कैसे होता है? क्या आंखों के अलावा कुछ और सिम्टम या देखकर ही पता लगा सकते हैं स्क्विंट है कि नहीं? स्क्विंट देखिए, पहले तो जिसको स्क्विंट ज्यादा है उसको तो आगे से आप देख के बता सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, बच्चों को उनके माँ बाप लेके आते हैं, या कोई है जो जिसको लोगों ने बताया है तो वो आए हैं हमारे पास चेकअप। उसके अलावा ऐसे स्क्विंट में दो टाइप के स्क्विंट होते हैं, एक जो जिसमें आंखों की नजर अच्छी है और दूसरे टाइप की जिसमें आंखों की नजर ठीक नहीं है। तो जहां आंखों की नजर ठीक नहीं है उसमें तो मरीज खुद ब खुद आ जाता है क्योंकि उसको दिखने में तकलीफ हो रही है, जबकि जो जिसके नजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको कोई बताता है या आईने में देखता है तब जाके उनको महसूस होता है, तब हमारे पास आते हैं स्क्विंट। ओके, मतलब ऐसा भी होता है स्क्विंट आई है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि आंखें कमजोर होंगी ही होंगी। नहीं देखिए, आंखों में देखिए, हम जब नजर की बात करते हैं, एक होता है द विजन एज ए क्वांटिटी ऑफ विजन कि आप वो चीज पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, अगला है क्वालिटी ऑफ विजन कि आप उस चीज को कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। स्क्विंट एसेंशियली जो है आपके क्वालिटी ऑफ विजन को अफेक्ट करता है। और अगर सर इसे ट्रीट ना किया जाए तो क्या ये ब्लाइंडनेस तक जा सकता है एक टाइम के बाद? ऐसा है, बच्चों में ये खासकर होता है। देखिए अभी हम आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। सोचिए एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है, जिसको स्क्विंट है, दाहिना आंख सीधा देखता है, बाएं आंख टेढ़ा देखता है,
ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसका जो दाहिना आंख जो सीधा देख रहा है ना, वो उसी आंख को इस्तेमाल करेगा, और जो बाया आंख जो टेढ़ा देखता है उसके इमेजेस को ब्रेन रजिस्टर ही नहीं करेगा, जिससे कि वो आंख परमानेंटली ऐसे हो जाएगी कि इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। और जैसे ही उस बच्चे की उम्र 14-15 साल 18 साल क्रॉस हो जाता है, उसके बाद ये जो दबा हुआ नजर है ये परमानेंट हो जाता है, तो उसका फिर से हम इलाज करके उसका विजन इम्प्रूव नहीं कर सकते। ओके, मतलब आपके कहने का मतलब ये टाइम के साथ बढ़ता है, अगर किसी के बच्चे को स्क्विंट आई है और अगर उसे ट्रीटमेंट किया जाए तो टाइम के साथ ये बढ़ेगा, उसका बढ़ता है और उसका जो नजर वो भी इसका असर हो सकता है। राइट, आई थिंक ये बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज मुझे भी नहीं इस चीज के बारे में पता था सर। एंड क्या ये जेनेटिक भी होता है, क्या इसका हेरिडिटरी से कोई होता है? इसमें जेनेटिक होता है, जैसे अगर माँ या माँ बाप को अगर स्क्विंट है, बेंगापन है, तो बच्चों को स्क्विंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। Right. इसमें एक और चीज है जो लोगों को नहीं पता, बात यह है कि लोग सोचते हैं जो बच्चा बड़ा हो जाएगा तब ऑपरेशन करेंगे, कि तब इसका ट्रीटमेंट तब करेंगे। नहीं, हम लोग आज के जमाने में 1 साल के बच्चा, 6 महीने के बच्चे, 3 साल के बच्चों में भी इसका ऑपरेशन आराम से बहुत अच्छे से करते हैं। राइट, तो जितनी जल्दी हो सके आई थिंक उतनी जल्दी सर्जरी कराना, ऑपरेशन कराना अच्छा होता है, किसी चीज को डिले करें, क्योंकि देखिए बच्चा जो है बचपन में हमारा जो नजर है और जो हमारा 3-डायमेंशनल परसेप्शन जिसको बोलते हैं वो डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो अगर उस डेवलपमेंट को में भेंगापन है तो क्या होगा, वो डेवलपमेंट नहीं होगा, दोनों आंख जब तक साथ में नहीं काम करेगी। देखिए अगर जिसको अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं, सोचिए आप बास्केटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, हाथ में बॉल लेके आपको बास्केट पे डालना है, तो आपको चाहिए होगा ये अनुमान कि ये कितना दूर है बास्केट, कितनी ऊंचाई पे है, कितना डेप्थ पे है, ये जो चीज जो है इसको इसका अनुमान लगाने के लिए हमको दोनों आंख साथ में काम करेगी तभी अनुमान लगा सकता है। जब किसी बच्चे को भेंगापन है तो ये दोनों आंखें साथ में नहीं काम कर रही, उसको ये अनुमान नहीं लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर हम 15-16 साल से पहले या 10 साल से पहले में अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, भेंगापन करेक्ट नहीं किया, तो जिंदगी भर उसका विजन 3-डायमेंशनल नहीं रहेगा, सिर्फ 2-डायमेंशनल ही रहेगा, तो इसलिए उसको पहले ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। एंड डॉक्टर, जैसे आपने बोला कि बच्चों में पाया जाता है, क्या ऐसा भी है कि कई बार एडल्ट केसेस भी आपके पास आते हैं, क्या लोगों को बड़े एक बड़ी एज में भी ये होता है या फिर नहीं? हाँ, एडल्ट केसेस होते हैं, मतलब बहुत सारे एडल्ट केसेस जो हमारे पास आते हैं वो हैं जिनको बचपन से था और उसका ट्रीटमेंट नहीं किया। दूसरे टाइप के जो एडल्ट केसेस आते हैं वो है जिसके एक आंख में कोई चोट लगी हो या कोई बीमारी के कारण उसकी नजर जा चुकी हो, जिसके कारण वो आंख इस्तेमाल में नहीं हो रही, तो वो स्क्विंट हो जाता है, तो उन केसेस में भी हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर्जिकली। ओके ओके सर, बस मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि ट्रीटमेंट कैसे होता है, मतलब वो सर्जरी है, ऑपरेशन है या फिर कुछ और भी इसका प्रोसेस है? इसका ऐसा है कि स्क्विंट का ट्रीटमेंट बहुत सारे अलग अलग तरीकों से होता है, ठीक है। सबसे पहले ये है कि हमको जो चश्मे का जो नंबर है, जो विजन को 100% करेक्ट करना इज द फर्स्ट स्टेप इन स्क्विंट सर्जरी, इन ट्रीटमेंट ऑफ स्क्विंट, मतलब आपकी जो नजर है उसको चश्मे से पूरा चेकअप करके विजन पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि विजन क्लियर होना ही दोनों आंख को साथ में एक तालमेल में काम करने में प्रोत्साहित करता है, तो इसके लिए नजर पहले ठीक कराना जरूरी है, वो ठीक कराने के बाद हम इसका आगे का ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। आगे का ट्रीटमेंट जो है इसमें हम कुछ एक्सरसाइजेस से भी कर सकते हैं, कुछ ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस होते हैं, प्रिज्म ग्लासेस आते हैं, जो कुछ ऐसे प्रिज्म्स आते हैं जो हम नॉर्मल चश्मे के ऊपर चिपका सकते हैं पतले से, और इसके बाद हम इसमें सर्जिकल भी कर सकते हैं। अभी किस मरीज को कौन सा वाला टेक्निक सूट करेगा, इस ट्रीटमेंट प्लान में से कौन सा वाला उसको चूज करना है, वो पेशेंट के ऊपर हम इवैल्यूएट करने के बाद हम उनको ऑप्शन दे सकते हैं। किसी का भेंगापन बहुत ज़्यादा है तो हमको सर्जरी ही चांस रहता है। अगर किसी का भेंगापन छोटा सा है और बाहर की तरफ जा रही है तो हो सकता है कि हम थोड़े बहुत एक्सरसाइज से उसको नज़दीक में लेके आने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे हर पेशेंट अलग होता है, हर आदमी इंसान अलग होता है, और उनको देखने के बाद इवैल्यूएट करने के बाद एक स्क्रीन का डॉक्टर ही बता सकता है कि वो उसका ट्रीटमेंट आइडियली हमको कैसे करना चाहिए।
ओके, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर. आपने बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल्स एक्सप्लेन करके आपने सब चीजें बताई, और मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी जो आज के शो में पता लगी. एंड जी मनी हेल्थ शो की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है. थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला. थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. वहां पे थे डॉक्टर जिन्होंने हमसे बहुत सारी बातें की एंड बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन भी हमारे साथ शेयर किया. देखिए, आंखों में कुछ भी हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप स्ट्रेट अवे डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूर लें, देरी नहीं करनी चाहिए. और इसी नोट पे मैं आज आपसे विदा लेती हूँ. आऊंगी नेक्स्ट शो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ. टिल देन अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा.